हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। दोस्तों आज फिर आपके सामने एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। BSF ग्रुप सी भर्ती ज्वाइन करके देश सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका सामने आया है। भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए है। दोस्तों अगर आप भी BSF भर्ती ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या दस्तावेज इसमें मांगे गए हैं, योग्यता, पात्रता, मानदंड, अंतिम तिथि कितनी रखी गई है, कब तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप और विस्तार पूर्वक दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह समय समय से आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब आपको लेकर चलते हैं वीडियो के नोटिफिकेशन पर और आपको देते हैं सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों BSF रिक्रूटमेंट 2021, BSF ग्रुप सी भर्ती 2021। दोस्तों BSF ASI, HC और कांस्टेबल, दोस्तों इन पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। जो इसकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों वह 10वीं पास और ITI डिप्लोमा बेस पर मांगी गई है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार फॉर्म भर सकते हैं उसकी सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसमें कितनी योग्यता मांगी गई है, पात्रता कितनी होनी चाहिए और साथ ही दस्तावेज, मानदंड, अंतिम तिथि कितनी रखी गई है, सभी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी आप जानकारी अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों BSF भर्ती 2021 की जानकारी, विभाग का नाम है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, और दोस्तों मंत्रालय का नाम है गृह मंत्रालय। दोस्तों इस पदों की जो भर्ती की संख्या वह 72 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। दोस्तों पद का नाम है ग्रुप सी पोस्ट। नौकरी का प्रकार दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। आवेदन करने की तिथि 15 नवंबर 2021 है और दोस्तों इसकी अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यह भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bsf.gov.in या www.bsf.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। नौकरी का स्थान दोस्तों यह पूरे भारत में माननीय है। किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। BSF ग्रुप सी भर्ती 2021 महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि दोस्तों 15 नवंबर है। 15 नवंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि वह दोस्तों 29 दिसंबर 2021 रखी गई है। दोस्तों लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम की तिथि अभी बताई नहीं गई है इसमें। आयु सीमा की बात करें तो सभी पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी गई है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये पोस्ट का नाम है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI DM GDE 3rd, यानी कि दोस्तों इसकी एक पोस्ट निकाली गई है और इसमें BSF ग्रुप सी 2020-21 पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो इसकी एलिजिबिलिटी है इसमें 10वीं पास मांगी गई है। किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए। साथ में इसमें दोस्तों डिप्लोमा मांगा गया है। जो इसका डिप्लोमा है वह ड्राफ्ट ड्राफ्ट मैनशिप यानी आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वह सिविल का है। दोस्तों किसी भी बोर्ड से आपका होना चाहिए डिप्लोमा। और जो इसकी हाइट है दोस्तों इसमें मेल की 167.5 सेंटीमीटर और जो इसकी फीमेल की वह 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है। और चेस्ट की बात करें तो मेल की उसमें 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
दोस्तों, हेड कांस्टेबल HC कारपेंटर। अब दोस्तों इसमें इसकी चार पोस्टें निकाली गई हैं। इसमें भी दोस्तों हाई स्कूल पास मांगी गई है विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। कोई सा भी मतलब दोस्तों इसमें ITI सर्टिफिकेट से ट्रेड होनी चाहिए ट्रेड का, और इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और जिसकी हाइट है मेल की वह दोस्तों 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। चेस्ट की बात करें तो दोस्तों मेल की इसमें 76 से 81 तक सेंटीमीटर इसकी चेस्ट की होनी चाहिए। और दोस्तों मोर डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में हम आपको बता ही रहे हैं। दोस्तों जो इसमें ये कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल सेवरमैन में दोस्तों इसमें दो पोस्टें निकाली गई हैं। इसमें भी दोस्तों 10वीं पास मांगी गई है, और साथ में दोस्तों इसमें हाइट है इसमें मेल की वह 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, और मेल की माफ़ कीजिएगा दोस्तों फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। चेस्ट की बात करें तो दोस्तों जो इसमें चेस्ट है वह मेल की 76 से 81 सेंटीमीटर मांगी गई है। मोर डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में हम आपको बता ही रहे हैं। अब दोस्तों कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की बात करें तो इसमें टोटल पोस्टें 74 निकाली गई हैं। इसमें भी दोस्तों 10th पास मांगी गई है विद ITI सर्टिफिकेट के, और दोस्तों इसमें जो हाइट है वह मेल की 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट वो सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और चेस्ट इसमें मेल की 76 से दोस्तों 81 सेंटीमीटर मांगी गई है। अब दोस्तों इसमें कांस्टेबल लाइनमैन की बात करें तो ये भी इतनी मांगी गई है कांस्टेबल की भी, इसमें दोस्तों कांस्टेबल लाइनमैन की इसमें 11 पोस्ट निकाली गई है, 11 पोस्टें हैं, सेम इतनी ही एलिजिबिलिटीज़ की मांगी गई है। अब दोस्तों आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क दोस्तों 100 रुपये रखा गया है। साथ ही दोस्तों SC ST और एक्स सर्विसमैन और दोस्तों इसमें सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए दोस्तों आवेदन शुल्क निःशुल्क है, फिर है बिल्कुल दोस्तों, जो महिलाएं हैं उनका कोई शुल्क कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, वे निःशुल्क इस फॉर्म को भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जो दोस्तों फीस सबमिट करने की बात करें तो आप किसी भी से भी सबमिट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से सबमिट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से संबंध फीस सबमिट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप अपनी आवेदन की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों इसमें आपको जो मेन दस्तावेज है उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएट क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी बोर्ड से आप पास होने चाहिए। जो दोस्तों इसमें मेन है वह 10वीं मांग गई है, अगर आप उससे ऊपर हैं तो दोस्तों फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों इसमें बात करें तो फ़ोटो और आपके साइन बेहद ही ज़रूरी है। इसमें जो आपका फ़ोटो है वह लाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, ज़्यादा डार्क फोटो नहीं होना चाहिए। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, साथ ही आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ID प्रूफ के तौर पर आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों BSF ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021 ऐसे करें आवेदन। अब आपको ये बताते हैं किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट आप इस पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर ये जाइए। जैसे ही आप दोस्तों इस ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, आप ये देख लीजिए RECT.BSF.GOV.IN, ये इसकी वेबसाइट है दोस्तों। जब आप यहाँ पर चले जाएंगे, आप होम पेज पर आपको लिखा मिलेगा रिक्रूटमेंट ओपनिंग के लिंक पर जाइए। जब आप चले जाएंगे दोस्तों उसके बाद अब BSF ग्रुप सी इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट के लिए आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे, इसमें अप्लाई हेयर के ऑप्शन पर जाइए। जब आप अप्लाई हेयर के ऑप्शन ऑप्शन पर चले जाएंगे, फिर आपको मांगी गई डिटेल्स भरे और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें। दोस्तों सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना हो, जैसे ही दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यह थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर आपके मन में जानकारी को लेकर
कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उसकी जानकारी आपको दी जाती है, चाहे वह सरकारी हो या संविदा पर सरकार द्वारा निकाली गई नौकरी हो, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों आपसे चाहते हैं इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।